ओके दोस्तों, तो एक मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डेली कम से कम एक मैसेज तो दो मैसेज या तीन चार मैसेज तो जरूर ऐसे आते हैं कि सर ये स्क्रीनशॉट देखो और स्क्रीनशॉट में देख के इसका सॉल्यूशन बताओ कि इस एडसेंस को कैसे फिक्स किया जा सकता है, यानी कि इस इश्यू को, इस एरर को कैसे फिक्स किया जा सकता है। दोस्तों अब वो इशू पता क्या होता है, वो इशू कुछ और नहीं, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनो इस वर्ड को, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। भैया एक बात आप इस बात को समझ लो कि अगर जिस किसी के चैनल पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ गई तो उसका कोई समाधान नहीं है। मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। लोगों को लगता है यार कहाँ YouTube हमें समझ रहा है, YouTube हमें कहाँ ट्रैक कर रहा है, Google हमें कुछ भी नहीं देखता, वो कोई ट्रैकिंग नहीं करता, देखते रहो। बट यही आपकी सबसे बड़ी गलती है और इस गलती का ही भुगतान आप बाद में करते हो जब आपके पास में फाइनली एक मेल आता है कि भैया आपके अकाउंट के ऊपर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का डिटेक्शन यानी कि उस पर पाया गया है, जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन क्या किया जा रहा है, डिसेबल किया जा रहा है। अब बहुत सारे जब लोग मेरे को मैसेज पे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो वही एक ही सॉल्यूशन बोलते हैं, सर कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन इसका सॉल्यूशन दे दो, इसको रिजॉल्व कर दो इस प्रॉब्लम को। बट आप सबको एक चीज बताऊं कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एकमात्र इसका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप बस अपील कर सकते हो, अपील फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास में एक मेल आता है, उस मेल में ये लिखा रहता है कि आपको लगता है कि भाई बाय मिस्टेक अगर हमसे गलती हुई है और बाय मिस्टेक अगर आपका अकाउंट जो है बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के अगर उसको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी में डिटेक्ट किया गया है, तो भैया आप अपील फॉर्म भर सकते हो। लेकिन दोस्तों अपील फॉर्म से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग मेरे पास जो लोग मैसेज करते हैं, मैं उनको देखता हूँ, वो बोलते कि भाई चार बार पांच बार बहुत बार उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कई बार वो अपील करते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। अब एक चीज़ और देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर जब आपके पास में इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का मेल आ जाए राइट, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इससे बचना कैसे है, आपको कैसे बच सकते हो इन सारी चीज़ों से। देखिए सबसे पहली चीज़, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज है या नहीं मोनेटाइज है, उन सभी लोगों के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि भाई देखो मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि आज टास्क पूरा हुआ 1000 सब्सक्राइबर का, 4000 घंटे का वॉच टाइम, कल मोनेटाइज हुआ चैनल, कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आया और परसों जाके डिसेबल हो गया। यानी मात्र 3 दिन के अंदर सारी कहानी गड़बड़ा जाती है। एक दिन आया आप एलिजिबल हो, दूसरे दिन कॉन्ग्रेचुलेशन आपका YPP के लिए रजिस्टर्ड कर दिया यानी कि आप शामिल हो चुके हो, और तीसरे दिन इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। तो इसलिए भैया आप ये मत समझो कि भाई सिर्फ मोनेटाइजेशन वालों के लिए, ये उनके लिए भी है जो जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं भी है। अब आपको क्या करना, देखिए सबसे पहली चीज़ कि आप जो भी वीडियोज़ पब्लिश कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज़ आप सब अपनी वीडियोज़ को देखना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अपनी वीडियोस आप कभी भी मत देखो। अब कई लोग और दिमाग लगाते हैं, कई लोग मतलब इतना स्मार्ट दिमाग लगाते हैं, अब स्मार्ट दिमाग भी आप समझो क्या करते हैं वो, कि भाई एक मोबाइल है उसके अंदर उन्होंने 5 मेल आईडी क्रिएट कर दी, तो मेल आईडी चेंज करके अच्छा देख लिया, मेल आईडी चेंज करके देख लिया। भाई क्यों कर रहे हो ऐसा यार, डिवाइस आईडी तो सेम ही है। आप एक मोबाइल के अंदर आप 50 मेल आईडी क्रिएट कर लो राइट, आप एक मोबाइल के अंदर आप 50 मेल आईडी क्रिएट कर दो, डिवाइस आईडी थोड़ी बदलेगी कभी। तो आप यार, आपको लगता है कि आप धोखा कर रहे हो, मतलब लाइक भाई गूगल को आप चकमा दे रहे हो, बट गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि एक डिवाइस के अंदर 5-10 मेल आईडी बना के आप उसको चेंज करके, यानी कि यूट्यूब का भी मेल आईडी उसी में और 5 और बना रखे हैं, टोटल 6 मेल आईडी, तो बदल बदल के उसको आप देखे जा रहे हो, वॉच टाइम बढ़ा रहे हो। भैया यही डिटेक्शन होते हैं और इसी का नुकसान आपको करना पड़ता है। देखो किस्मत वाली बात है, जो बच गया सो बच गया, जो डिटेक्ट हो गया उसका बस फाइनली मैंने आपको बता दिया, 3 दिन के अंदर सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप अगेन रीनेबल, आप अपने मोनेटाइजेशन को ऑन कर सको, कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, आप अगर इस तरीके से काम करते हो तो बिल्कुल भी मत करो। मेल आईडी चेंज कर करके अगर आप देख रहे हो तो बंद कर दो इस चीज़ को, नंबर दो। दूसरी बात, अगर आपकी फैमिली के अंदर अगर आपका एक रीज़न है, मतलब पर्टिकुलर आपका एक घर और घर के अंदर पांच लोग हैं, पांचों लोगों के पास अगर मोबाइल है, आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है मैं अपने से नहीं देख रहा हूँ, मम्मी के पैसे देख लेता हूँ, पापा से देख लेता हूँ, सिस्टर और ब्रदर के मोबाइल में भी देख लेता हूँ, ऑन करके रख देते हैं, ऐसा भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो भैया। देखा जाए तो एरिया तो आपका एक ही है, नेटवर्क जोन तो एक ही है, तो प्लीज़ ये चीज़ भी आपको नहीं करना है। कहने का मतलब आपको अपनी वीडियोस को वॉच नहीं करना है, किसी भी हालात में अपनी वीडियोस को नहीं देखना। अगर आपको, अब आप सोचेंगे कि यार अगर वीडियोस नहीं देखे तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने कमेंट किया, किसने कमेंट नहीं किया, क्या बोला, कैसे रिप्लाई करें, सब कुछ स्टैटिक्स कैसे देखेंगे। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है YT स्टूडियो। YT स्टूडियो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो, जहाँ से आप एनालिटिक्स, अपने अर्निंग, अपने जो भी कमेंट, स्टैटिक्स, सब कुछ, एनालिटिक्स, सारी चीज़ें आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो, अदरवाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर एक बार मेल आ गया सॉल्यूशन नहीं है तो प्लीज़ इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से आप बच के रहो, बहुत खतरनाक चीज़ है, इतनी खतरनाक चीज़ है कि लाइफ तबाह कर देती है सामने वालों के और कई लोगों के। तो अभी लास्ट टाइम जो मेरे पास एक मेल आया था या और जो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्क्रीनशॉट आई थी, 3 लाख से ऊपर का चैनल था, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी डिटेक्ट हुई थी। बताओ 3 लाख, समझ लो 3 लाख कितना टाइम लगता है एक चैनल को ग्रो करने में, 3 लाख वाला चैनल भी चला गया, राइट। तो इसी तरीके से 3 लाख, 1 लाख, इस तरीके से 80,000, पता नहीं कितने सारे चैनल यार, मतलब मैं तो जब देखता हूँ और जब सोचता हूँ उनके बारे में कि आखिर में बेचारे क्या उनके ऊपर बीतती होगी जब उनका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से जब उनका जो चैनल चला जाता होगा। सोचिए, आप सोच के देखो कि किसी के 1000 सब्सक्राइबर का चैनल होता, अगर किसी वजह से अगर वो चला जाता कितना दुख होता है, और किसी के अगर 3 लाख वाला चैनल चला जाए तो आप ये सोचो कि उसको कितना दुख होता होगा। तो इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है, पर्सनली एक ही सजेशन है कि आप लोग कभी भी अपनी वीडियोस को मत देखो। आप स्मार्ट नहीं हो, मतलब देखो स्मार्ट तो हो, मैं तो जानता हूँ कि भाई आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, बट प्लीज़ आप गूगल को चखमा मत दो, उसकी आंखों में धूल मत झोंको, सोचो कि भाई चलो मैंने आपको 12 साल बाकी सब कुछ बता ही दिया। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, बच के रहो इन सब चीज़ों से, अदरवाइज़ आपकी पूरी मेहनत पे, किए किराए पे पूरा पानी फिर जाएगा। और उसके बाद में जब मे भी आपका 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद में अगेन अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन भी हो गया और पता चला कि एक दिन आपके पास मैसेज आए कि भाई एलिजिबल हो, दूसरे दिन आपका कॉन्ग्रेचुलेशन YPP के लिए आप रजिस्टर्ड हो चुके, तीसरे दिन आपके पास में इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का मेल आ गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी जानकारी और बहुत हेल्पफुल लगी होगी। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट DM करो। और एक और बात, सबसे मेन, मेरा नंबर जिसके पास भी है शेयर मत करो। थैंक यू सो मच। तो बस फिलहाल की मुझे इतना ही, बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन बताई दे इंस्टाग्राम के ऊपर, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, बट कॉल नहीं यार, पहले मैसेज करना फिर बाद में कॉल कर सकते हो। बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।